गाजीपुर से दिनेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। कोटेदार के द्वारा 4 महीने का राशन न वितरण करने पर लोगों में हुआ आक्रोश। बिरनो थाना के अंतर्गत महमूदपुर गांव में कोटेदार श्रवण कुमार के द्वारा 4 महीने से लोगों का अंगूठा लगाकर कि कोटेदार के द्वारा उन्हें राशन नहीं मिल रहा था और साथ ही मिल लोगों का यह भी कहना है कि इस प्रकार से हिला हवाली कोटेदार के द्वारा यह तीसरी बार है, जिससे गुस्साए लोगों कोटेदार के खिलाफ कंप्लेन कर जाँच की मांग की। आज दिनांक 21 मई 2021 संबंधित अधिकारी के द्वारा कोटेदार के ऊपर जांच भी आई थी और लोगों की तकलीफ भी चुनी गई। देखना यह है कि महमूदपुर के ग्राम वासियों को न्याय दिलाने के लिए संबंधित अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। ले चलते हैं गाजीपुर जिला के बिरनो थाना के अंतर्गत महमूदपुर ग्राम सभा में। यहाँ पर अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा को घुमाए और अल्पाई न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से, ताकि पब्लिक के अधिकारियों के साथ में इस न्यूज को पहुँचे। यहाँ पे काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं, काफी उनको तकलीफें हैं, उनकी जुबानी में आपको सुनाऊंगा क्या तकलीफ है। यहाँ पर संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ के जो जनता है उनके तकलीफ को सुनने के लिए और जांच पड़ताल में लगी है। तो आइए हम आपको यहाँ के नागरिक को, यहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं क्या उनकी तकलीफ है और वो अपनी जुबानी आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे अल्पाई न्यूज एक्सप्रेस। जितना नाम बताए आपको? 4 महीना से राशन नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ यह है कि जाने पर अंगूठा लगवा लेते हैं और जाने पर आनाकानी करते हैं और दौड़ाते दौड़ाते सब फजे देता है, गांव सभा सब परेशान हो जाते हैं। कितना महीने? कितना कम से कम 4 महीने से राशन नहीं देते। 4 महीने से आप जो है कि मतलब अंगूठा लगा लेते हैं पूरा राशन नहीं देते। तो पहली बार जब इन्होंने ऐसा किया तो आपने फिर कंप्लेन क्यों नहीं किया? कंप्लेन नहीं किया, हम लोग ये सोच रहे हैं कि दे देंगे, मान लीजिए गरीबी के हाले के वाले दे देंगे और नहीं देते हैं। सभी सभी गांव को, सभी लोगों को खाली अंगूठा लगा करके राशन नहीं देते हैं। आपके कोटेदार का क्या नाम है? रामेश्वरी जी आपके ग्राम सभा का मतलब कोटेदार है? कोटेदार है। कितने साल से है? करीब 16-17 वर्ष हो गया। 16-17 साल से। तो 16-17 साल में पहली बार ऐसा मतलब आपके साथ में आपने कर रहे हैं? उसमें 4 महीने से राशन नहीं थे। 4 महीने से राशन। आइए अगली कड़ी में और लोगों से मुलाकात करते हैं। आपको जी अपने नाम बताए आप? हरसिंह भैया। आपको क्या तकलीफ है? कोटेदार 3 महीना से अंगूठा लगा करके और राशन नहीं दे रहे हैं। आजकल बुलाते हैं और इसलिए हम लोग काफी परेशान है। और आने के बाद आज जो है हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, साथ सुबह आए हैं और जैसा होगा वैसा होगा। जी साहब को मतलब आप लोग कंप्लेन किए थे क्या? जी हाँ। कितने बार से कंप्लेन किए थे? आज अगली कड़ी में और भी लोग थे, क्या उनको जो है कोटेदार के द्वारा इस तरीका से ये हिलावाली किया जाता है? आइए मत जी नाम का जी आपको मतलब कोटेदार के द्वारा जो यहाँ के जो लोग हैं इससे पहले जो आरोप लगाए हैं, आपका क्या मत है? कहाँ तक सच है? सही है, सच है। हम 4 महीने से नहीं पाए। 4 महीने से रहते हैं। आपके सदस्य, आपके परिवार में कितने यूनिट है? यूनिट है 6। कितना राशन, कितना केजी राशन पाते हैं आप? महीने में 5 किलो प्रति यूनिट मिलता है। जी जी। तो आपको राशन पूरा पर्याप्त मात्रा मिलता है? नहीं मिलता है, उसमें भी 2 किलो काट लेते हैं और उसके पैसा भी जमा होता है और 2 किलो राशन भी काटते हैं। घर जाने पर तोड़ते हैं तो उसमें भी 2-4 किलो कम हो जाता है। अच्छा, मतलब 2 किलो पहले अपने घर पे काटते हैं और जब आप मतलब वजन कराते हैं उसमें 2 किलो में भी 2-3-4 किलो कम हो जाता है, पैसा भी देता है जो काटते हैं उसका भी पैसा देते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हैं जो कि घर की मुखिया मानी जाती है, पड़ा क्या नाम था कि तो उनका हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब क्या नाम है आपका? सीमा जी। कोटेदार के विषय में आपको मतलब कहाँ तक राशन प्राप्त मिलता है? 4 महीना का राशन। 4 महीना से? 4 महीने से पूरे बस्ती को नहीं मिलता था? 4 महीने से पूरे बस्ती को। तो आपसे भी मतलब कोटेदार अंगूठा लगवा लेते हैं? अंगूठा लगवा के पहले काल दे दिया कभी मसरूफ करे। अच्छा, तो आपने इनके लिए मतलब कभी इनसे राय लिया कि आपको मतलब जो हेड ऑफिस से जो राशन आता है सरकारी कोटा से, या उनको कोटेदार को न मिलता हो, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ये होता लगे कतना के हमन दे देबा। हाँ। खाली अंगूठा लगा लेते ना, लिख लेते ना कतना दे देबा। हाँ। कभी देतना तो अंगूठा लगाने के बाद पैसा भी लेते थे? हाँ। या बस पैसा ले लेते? पैसा भी ले लेते थे, राशन नहीं देते थे। नहीं। देखते बड़ी तजुर्बा की बात है। आइए यहाँ पे और भी लोग, महिलाएं उपस्थित है। आपको राशन मिलता है? नहीं,
अगली कड़ी में हम आपसे मुलाकात करवाते हैं कोटा साइड में जी लो ना तो ठीक है जी जाते ना। अगली कड़ी में हम यहाँ के भरेपुर ग्राम सभा के जो कोटेदार हैं उनसे हम आपसे बातचीत करवाते हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। भरेपुर ग्राम सभा के निवासियों के द्वारा कहाँ तक सच है उनकी जुबानी आपको हम सुनवाते हैं। आइए हमारे साथ में जी अपना नाम बताया आप। करण कुमार जी मतलब भरेपुर ग्राम सभा के आप क्या हैं कोटेदार हैं महमूद कोटेदार हैं जो आपके ग्राम सभा के जो लोग हैं आपके ऊपर मतलब आरोप लगा रहे हैं कि अंगूठा लगा करके चार महीने तक उनको राशन नहीं दिया जाता है आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं कहाँ तक सच है क्या बात करेंगे। अगले कड़ी में हम आपसे मुलाकात करवाते हैं महमूदपुर ग्राम सभा के कोटेदार जी से उनके ऊपर जो अध्यक्ष लगाया जा रहा है यहाँ के जो पब्लिक है काफी तकलीफ में है। मुझे लगता है कि ये जहाँ तक होगा संभवतः जो कि सही होगा लेकिन यहाँ के जो कोटेदार हैं उनकी भी सफाई में हम आपको मुलाकात करवाते हैं जानते हैं यहाँ तक उनके जो ऊपर आप देखते लगा जाए कहाँ तक सच है। अपना नाम बताया जी। श्रवण कुमार जी कितना दिन से आप कोटेदार काम करते हैं? 15 साल हो गया। 15 साल में आपके खिलाफ में कितनी बार पब्लिक जो है कि मतलब एक्शन ली है? कौन जी? अच्छा तो आपके ऊपर जो आप जक्कर लगा रहे हैं आपके ग्राम सभा के निवासी उसके सफाई में आपको क्या कहना है कहाँ तक सच है? नहीं तो आपके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं आपके गांव के जो लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं आप अंगूठा लगा लेते हैं पैसा भी ले लेते हैं राशन नहीं देते हैं इसके विषय में आपको क्या कहना है? जी तो फिर ये लोग किस प्रकार का मतलब आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हाँ तो और कुछ आप अपने सभा में करना चाहेंगे? तो लोगों से आपको क्या अपील करना चाहेंगे कि नहीं आप लोग जो है कि हमारे समर्थन में आइए और हम आपको कुछ सेवा करने के लिए तत्पर हैं? जो अधिकारी आपके मतलब जांच के लिए आए थे वो मतलब कहाँ तक आपको क्या बोलते गए? अच्छा कितने लोग जो है कि आपके खिलाफ में जो कि यहाँ पे राशन कार्ड मौजूद थे? लमसम 200। इसके विषय में आपको जानकारी नहीं जी? ये बताइए कि आपके मतलब जो पूरे ग्राम सभा में कितने उनके मतलब कितने राशन कितने हैं? 300 कार्ड होगा। 300 कार्ड के पूरे लोगों को आप राशन देते हैं? कुछ लोग नहीं आते हैं ना जी, कुछ लोगों का अनुसार भी नहीं लगता हर महीने माल कट जाता है जी। तो जिनके जिन लोगों का आपके पास जो कि अंगूठा लग जाता है उनको प्रॉपर आप दे देते हैं? अरे भाई चलिए अगली कड़ी में और लोगों से मुलाकात करवाते हैं। आइए हमारे साथ में जी। अपना नाम बताइए जी। इसमें कहाँ तक आपको ये बताइए 300 लोग वहाँ जमा करें तो बचे कितने लोग हैं ये बताइए? उसमें सभी लोग बचे हैं ना? 200 कार्ड वहाँ जमा बताइए 200 के लिए ऑब्जेक्शन में जमा है और बता रहे हैं मैं सबको देता हूँ कितने लोग को दिए हूँ लगा नाम गिना दे। आपका कहाँ तक सोचा है जो कि आपको राशन मिलता है या नहीं? हमको नहीं मिलता है राशन नहीं मिलता। आपके पास आपके घर में कितने यूनिट है? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। 8 लोग में इससे पहले 4 महीने से पहले कितना केजी आपको मिलता था राशन? 5 किलो 40 केजी आपको मतलब टोटल मिलता था या उसमें कटौती होती थी? कटौती भी होती थी और नहीं भी मिलता था। हम लोग को क्या है कि टाइम नहीं रहता था आने के लिए तो कटौती होता श्रवण कुमार जी की तरफ से जो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं जी तो ये पहली बार ऐसा आप लोग के साथ में चलो इससे पहले ये 3 बार लोग आपत्ति कर चुके पूरे गांव वाले लोग ये तीसरी बार है जी। तो इससे पहले अधिकारी आए थे तो कहाँ क्या मतलब बोल के गए थे आप लोग को? वही इन ये कहे थे कि चलिए हम सबको देंगे आप सबको देंगे बराबर से देंगे हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन फिर ऐसा काम किए मतलब इनका कहने का तरीका अलग ही है अंदाजे अलग है मतलब आश्वासन देते हैं करते अपने वाले बताइए जितने लोग कहीं दिलवाए उन लोग का नाम गिना दें कि हम इनको इनको दिए हैं।
अगली कड़ी में हम आपको मुलाकात करवाते हैं महमूदपुर ग्राम सभा के काफी बुजुर्ग व्यक्ति। मुझे लगता है कि ये जहाँ तक भी होगा सच बोलेंगे, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी जो कि समझदार हो जाते हैं, क्योंकि समाज के हर चीज़ को देखते हुए जो कि इसलिए जो है कि हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। आपसे आइए हमारे साथ में जी, आपका नाम बताया जी। यादव जी, ये जो आपके ग्राम सभा के पोटेदार के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, आपका कहाँ तक विचार है? लोग सच बोल रहे हैं, पोटेदार सही बोल रहा है या पब्लिक सही बोल रहा है? पोटेदार से हमसे हमारे देखिए, पहला पटवा महीना के बाद पहला ये भल के अंगा ना लगा, लेकिन फिर हम अंगा ना लगे तो गए कि हमारा अंगा नहीं लगा तुमको नहीं मिलेगा। तो पाँच महीना से हम दौरान लगन लगाओ, पाँच महीना लगाओ तो गई आई हमके देखे ना गई एकदम न दिया हम पाँच महीना का दी। हाँ मतलब सबसे ज़्यादा आप जी अब एक महीना जो हमारा ना लगाओगे ना भैया तो अब दौरान हम लगाओ तो गई आई कहा देव देव एक को महीना का दिया पाँच महीना। अंगूठा लगाने के बाद में क्या आपसे पैसा भी लेते थे? पैसा जो पैसा जो ना जी जी। अगली कड़ी में और लोगों से मुलाकात कराते हैं। शंकर राम जी, एक कोटेदार के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, इसके विषय में आपका कहाँ तक सोच मतलब कहाँ कहना है? सोच यही है कि ये जो है कि 80% लोगों को परेशान, ठीक है हम तो भाई प्रति महीने पा जाते हैं, बिजली की क्या बात करें, लोग नहीं पाते वो लोग छटपटा रहे हैं, लेकिन हम तो 80% राशन लोग परेशान है राशन के लिए, हम तो अपना राशन पा जाते हैं। आप अपना राशन पा जाते हैं लेकिन इतना आपको जानकारी है कि 80% लोग जो कि राशन नहीं पाते हैं? हाँ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों जो कि आपने आप राशन पाते हैं तो क्या आपने इसके लिए जो कि शिकायत किया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं कोटेदार? हम तो भाई पर उनसे हमेशा कहते हैं कि सभी लोगों को राशन दीजिए हिसाब से अपने, और अन्यथा जो किसी गांव में शादी विवाह भी पड़ा उनको संभालते हुए राशन वालों को एक महीने का राशन रोक करके उनको संभालिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब जो कि अपना पा जाते हैं तो कोटेदार जी से आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ हम तो संतुष्ट हैं। आपको मतलब उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन? कोई आपत्ति नहीं हमारे तरफ। आपका पेट भर गया, सबका पेट भर गया भाई, हमारा तो भर गया चाहिए, हम तो पा गए। हाँ तो फिर दूसरे के लिए कर रहे हैं, दे या लेने वाले ले तो हमसे क्या, हम दूसरे तीसरे के लिए बात करें उनसे और इन लोगों से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आपने देखा यहाँ की जो लोग हैं काफ़ी लोग कोटेदार के खिलाफ में हैं, जिनका कहना है मुझे लगता है कि प्रजा कभी राजा को धोखा नहीं देती है, राजा प्रजा को धोखा दे देती है। तो इसके तहत जो है कि यहाँ की जो जनता है इनका जो बयान है हमारे अल्पाई न्यूज एक्सप्रेस के साथ में अब उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए तत्पर हैं, और हम चाहेंगे कि संबंधित अधिकारी इस चीज़ को देखें, काफ़ी इस मामले को अपने श्रेष्ठ संज्ञान में लेते हुए जो भी काम हो जो भी कार्रवाई हो उचित हो। इसी के साथ में आप देखते रहिए हमारे अल्पाई न्यूज एक्सप्रेस के साथ में, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद।